नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद है अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां अभी तक मंडी के अंदर सरसों आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ गेहूं की आवक भी होने लगी है। गेहूं के समर्थन मूल्य और भाव को लेकर आज हम मंडी में मौजूद है। हमारे साथ में यहाँ के मंडी के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया जी मौजूद है, वो यहाँ व्यापारी भी है। उनसे जानेंगे कि आज मंडी के अंदर गेहूं के क्या भाव है, कितनी बोरी गेहूं की आई है। सर, मार्केट टाइम टीवी में पहले तो आप सभी का स्वागत है। बताइए, इस तरह गेहूं की आवक हो रही है, क्या भाव है बताइए। मार्केट टाइम को मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि पूरे देश में मार्केट के भाव की जानकारी देता है। आज हमारे मंडी में गेहूं की करीब 10 से 15,000 कट्टे प्रतिदिन गेहूं की आवक शुरू हो गई है। गेहूं का सबसे बड़ा, गेहूं में जब तक समर्थन मूल्य से आसपास किसान को भाव मिलता है, तब तक वो मंडियों में लाता है। वर्तमान में राजस्थान में समर्थन मूल्य 2400 रुपये का है, और हमारे यहाँ आज गेहूं के भाव 2300 से 2450 रुपये तक के गेहूं बिक रहे हैं। ऐसे में किसान मंडियों में लाकर बहुत खुश है, और हम भी ये चाहते हैं कि किसान का माल ऊंचा से ऊंचा बिके। हमारा केंद्र और राज्य सरकार भी ये चाहती है किसान को 2400 रुपये का भाव के आसपास उसके उसकी लागत जैसे निकले, उसको मूल्य मिले। और ऐसे में किसान के साथ साथ केंद्र एवं राज्य सरकार इस बात से चिंतित है कि हमें समर्थन मूल्य पर माल मिलना चाहिए। ऐसे में यूपी गवर्नमेंट ने तो ट्रेडरिंग पर और उद्योगों पर माल खरीदने पर, गेहूं के स्टॉक करने पर तरह तरह की पाबंदियां भी लगा रही हैं, जिससे गेहूं का भाव थोड़ा नीचा हो जाए और गेहूं का भाव उन्हें समर्थन मूल्य पर माल मिल सके। यूपी में गेहूँ समर्थन मूल्य 2225 रुपये का है, वहीं पर राजस्थान में 175 रुपये का बोनस देते हुए 2400 रुपये का भाव हमारी राज्य सरकार द्वारा तय किया गया। लेकिन अभी केंद्र के भाव होने के बावजूद भी समर्थन मूल्य पर किसान वहां पर माल तोलने नहीं जा रहा है, मंडियों में ला रहा है, और हम भी ये चाहते हैं कि मंडियों में ज्यादा से ज्यादा माल मिले। हमारे राजस्थान संघ ने लगातार ये भी मांग की है, पंजाब हरियाणा की तरह सरकार को समर्थन मूल्य पर माल अगर लेना है मंडियों में व्यापारियों के थ्रू ले, जिससे मंडियों का व्यापार स्थिर नहीं हो, शीतल नहीं हो, यहाँ के मुनीम तोला मजदूर सभी को उसका रोजगार मिले, और सरकार को भी उनका जो उद्देश्य है कि अब उन्हें जो गेहूं का स्टॉक करना है वो उन्हें भरपूर मात्रा में मिल सके। क्योंकि समर्थन मूल्य से भाव अभी अलवर मंडी में अच्छा मिल रहा है, एमपी की मंडियों में अच्छा मिल रहा है, तो ऐसे में किसान सरकार को अभी तोलने नहीं जा रहा। सरकार इस तुलाने के लिए बहुत चिंतित है, इसलिए सभी स्टेट में तरह तरह की पाबंदियां भी लगा रही है। दूसरी ओर हमने केंद्र सरकार को यह पत्र लिखा है, इसकी एक नीति बनाई जाए। उस नीति के तहत, उस नीति में पूरे देश में एक मंडी टैक्स सेम समान हो, जिससे सारी मंडियों की व्यवस्थाएं समानता के रूप में आ सके। वर्तमान में मैं समझता हूँ कि गेहूं के भाव ज्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है, और ये भाव ऐसे भाव हैं जिस पर उपभोक्ता को भी अभी कोई ऐसा नुकसान या उसे दर्द होने का कारण नहीं बन रहा। इससे ऊपर भाव अगर जाएंगे तो उपभोक्ता हो सकता है कि उसे थोड़ा सा महंगा लगे, लेकिन ऐसे में सरकार ने गरीब तबकों को पूरे 12 महीना उन्हें सस्ते भाव पर गेहूं देती रही है। अभी बात की जाए तो पूरे जो देश के अंदर कुल कितना उत्पादन है गेहूं का? गेहूं का कुल उत्पादन तो मैं आंकड़ा आज तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि जो उत्पादन में कोई कमी नहीं है, लेकिन केंद्रीय पूल जो था इनका जो कई वर्षों का अब न्यूनतम नीचे से नीचा है, और केंद्रीय हमेशा स्टॉक न्यूनतम से ऊपर अपना माल रखना चाहती है कि विपरीत परिस्थितियों में उसे जनता को परेशानी ना। एमएसपी की बात की जाए तो एमएसपी को लेकर क्या कहना चाहिए? एमएसपी राजस्थान में 2400 रुपया है, अन्य राज्यों में 2225 रुपया है, और सरकार ये चाहती है कि एमएसपी पर हमें ज्यादा से ज्यादा माल मिले, जिससे हमारा केंद्रीय पूल का जो स्टॉक कम हुआ है वो बढ़ सके। अभी व्यापारी किस तरह से स्टॉक कर रहा है मंडी के अंदर? क्या व्यापारी केंद्र सरकार द्वारा तरह तरह की जो पाबंदियां लगा रहे हैं, इसलिए अभी स्टॉकिस्ट इंटरेस्टेड कम है, लेकिन भाव ये जो चल रहे हैं, ऐसे समय में अगर ये भाव चलते रहे तो छोटा स्टॉक भी होगा
और मैं समझता हूँ कि सरकार को भी माल अगर इससे नीचे जाता है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अभी गेहूँ खरीद केंद्र जो है वो भी शुरू नहीं हुआ, क्या कारण मानते हैं कि किसान वहाँ क्यों नहीं जा रहा? नितिन भाई साहब, मैंने आपको ये कहा कि किसान जब तक केंद्र पे, खरीद केंद्रों पे जब जाता है, जब मंडियों से, मंडियां 200 रुपया नीचे होती है, 10-20-50 रुपया अगर मंडी नीचे रहेगी समर्थन मूल्य से, तो वो मंडियों में लाके खुश है, क्योंकि मंडियों में उन्हें एक बहुत प्रतिस्पर्धात्मक भाव मिलते हैं, बहुत साफ सुथरा काम मिलता है, तुरंत पैसा भुगतान मिलता है, उससे की वजह से सबसे पहले वो मंडियों में आता है। अभी किस तरह की क्वालिटी का गेहूं है? इस बार गेहूं की क्वालिटी अच्छी है। और कहां कहां से गेहूं आ रहा है फिलहाल? अलवर को आसपास के क्षेत्रों में ही गेहूं आ रहा है, और ये गेहूं जब भरपूर सारी राजस्थान की मंडियों में आएगा तो मिलों में वो सीधा आता है। मंडियों में गेहूं बिकना सिर्फ किसान का अधिकांश आता है, व्यापारी का नहीं आता। अभी थोड़ा सा क्या है, मॉइस्चर भी गेहूं के अंदर देखा जा रहा है, क्या कारण मानते हैं? मामूली कोई मॉइस्चर है तो उसके हिसाब से वो भाव ऑक्शन पे तय हो जाते हैं, 10-20 रुपया ऊंचा नीचा मॉइस्चर और सूखे के हिसाब से तय होते हैं। हमारे साथ में मंडी के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया जी मौजूद थे, उन्होंने हमको गेहूं के बारे में पूरे विस्तार से बताया।